नमस्कार दोस्तों, मैं रोन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेक्निकल रोन चैनल पर। दोस्तों आज हम करने वाले हैं एप्पल के एयरपोर्ट्स की अनबॉक्सिंग। सो ये जो है हमारे पास एप्पल के एयरपोर्ट्स हैं, ये जो है ओरिजिनल एयरपोर्ट्स हैं। आप लोगों को दिखा देता हूँ इसका बॉक्स, कुछ इस तरीके से जो है इसका बॉक्स है, आप लोग देख पा रहे होंगे। सो आज हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और देखेंगे कि इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है और साथ में जो है कैसे हमारे जो एयरपोर्ट्स हैं ओरिजिनल वाले और साथ में जो है कैसा क्या इसका बैटरी बैकअप रहेगा और कैसी बिल्ड क्वालिटी है, सारा कुछ इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ आपको। सो वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को दबा लेना ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक, क्योंकि मैं हमेशा इसी तरीके लेटेस्ट वीडियोज लाता रहता हूँ। सो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सो ये है हमारे एप्पल के एयरपोर्ट्स जो कि बिल्कुल ही ओरिजिनल हैं। सो आप लोग देख सकते हैं इस बॉक्स के जो पैकिंग है कुछ इस तरीके से जो है की गई है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है कुछ इस साइड जो है कुछ मेंशन किया गया है और साथ में जो है यहाँ पे सीरियल नंबर वगैरह दिया गया है जिसके ज़रिए जो है आप पता लगा सकते हैं ये एयरपोर्ट्स ओरिजिनल हैं या फिर नहीं। सो बॉक्स भी काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे पैक किया गया है क्योंकि ये जो ओरिजिनल है सो इसकी पैकिंग भी काफ़ी ज़बरदस्त है। सो आइए फटाफट इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस बॉक्स को ओपन करने के लिए। सो आइए फटाफट इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कैसे क्या जो है हमारे एयरपोर्ट्स हैं और साथ में जो है कैसी क्या जो है इसकी साउंड क्वालिटी वगैरह और हर एक चीज़ है। सो फटाफट इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। सो बॉक्स में जो है सबसे पहले हमें एक मिल जाती है यूज़र मैनुअल जो कि कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे जो है फ्रंट पे लिखा हुआ है एयरपोर्ट्स और इस साइड जो है यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में सारा कुछ मेंशन किया गया है कैसे कैसे को यूज करना है और इस साइड जो है ये चाइनीज़ लैंग्वेज है। सो आप लोग देख सकते हैं। सो ये जो है यूज़र मैनुअल है, उसके बाद जो है हमारे निकल आते हैं एयरपोर्ट्स। सो ये जो है हमारे एयरपोर्ट्स हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं काफ़ी ज़बरदस्त जो है यहाँ पे क्वालिटी है एयरपोर्ट्स की। रखते हैं इनको साइड में और देखते हैं इस बॉक्स के अंदर में क्या क्या देखने को मिलेगा। सो और जो है इस बॉक्स के अंदर हमें मिल जाती है एक केबल जो कि काफ़ी बड़ी केबल है और ये जो है इस एयरपोर्ट्स को चार्ज करने के लिए दी गई है। ये केबल काफ़ी बड़ी केबल है, मैंने i11 वगैरह की अनबॉक्सिंग की सो उसमें जो है काफ़ी छोटी केबल देते हैं लेकिन ये जो है ओरिजिनल है सो यहाँ पे जो है काफ़ी बड़ी केबल दी गई है और इस बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं है। सो रखते हैं इनको साइड में और देखते हैं कि हमारे एयरपोर्ट्स जो हैं कैसे हैं। सो ये जो है हमारे एयरपोर्ट्स हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छे जो है हमारे एयरपोर्ट्स लग रहे हैं और यहाँ पे जो है एक बटन दिया हुआ है जैसे कि हर एक बॉक्स के अंदर दिया हुआ होता है। सो इसकी डिज़ाइन जो है थोड़ा अलग ही है क्योंकि शाइनिंग क्वालिटी भी बहुत ही ज़बरदस्त दिखती है और जैक देख पा रहे हैं कि किस तरीके का जैक दिख रहा है और जो लोकल होते हैं उनमें कुछ अलग ही तरीके का दिखता है। सो काफ़ी अच्छी जो है क्वालिटी है और यहाँ पे जो है कुछ लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं तो देख लीजिए डिज़ाइन बाई एप्पल वगैरह कुछ ऐसा करके यहाँ पे जो है लिखा हुआ है। सो काफ़ी अच्छी जो है डिज़ाइनिंग है और निकालते हैं अपने एयरपोर्ट्स को और देखते हैं जो है कैसे क्या हमारे एयरपोर्ट्स हैं। सो ये हैं हमारे एयरपोर्ट्स, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे सो कुछ इस तरीके के हमारे एयरपोर्ट्स दिखते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छे एयरपोर्ट्स हैं क्योंकि जो लोकल होते हैं वो लोकल ही होते हैं और जो ओरिजिनल चीज़ होती है वो ओरिजिनल ही होती है। सो काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है और स्पीकर वगैरह भी इसका जो है काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। सो डिज़ाइन में जो है कुछ इस तरीके के जो है हमारे एयरपोर्ट्स दिखते हैं और यहाँ पे जो है आपको देखने को मिल जाते हैं सेंसर और ये जो है स्पीकर है और यहाँ पे भी जो है कुछ स्पीकर की जगह देखने को मिल जाती है, यहाँ से भी आपको जो है साउंड आएगा और साथ में जो है कुछ अच्छी तरीके से जो है डिज़ाइन किए गए हैं जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे हैं मुझे। और इस साइड जो है चार्जिंग पॉइंट। सो आइए करते हैं इनको कनेक्ट और देखते हैं कि इसकी साउंड क्वालिटी वगैरह कैसी है। सो फटाफट फोन से जो है इसको कनेक्ट कर लेते हैं। सो साउंड क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे, यहाँ पे जो है बेस बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो बहुत ही अच्छी जो है साउंड क्वालिटी है और आप जो है इसको सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें
तो यहाँ से जो है आपको इसको बंद कर देना है, सेंसर पर जो है टैप करके रखना है आपको, और इसको जो है आप चार्जिंग पर भी लगा सकते हैं, उसके बाद जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सिंगल जो है ये वर्क कर रहा है। सो फाइनली अगर आप जो सिंगल यूज़ करना चाहते हैं तो सिंगल भी यूज कर सकते हैं। सो अब मैं देखता हूँ किसी एक अपने फ्रेंड्स को कॉलिंग लगा करके और देखता हूँ उसको साउंड क्वालिटी जो है कैसी जाती है। हेलो और भाई कैसे हो और कहाँ पे हो आजकल? अच्छा, और मेरी आवाज़ कैसी आ रही है? साउंड क्वालिटी अच्छी आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? अच्छा क्लियर आ रही है बिल्कुल। चलो ठीक है, अच्छा आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके सो यार साउंड क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त जा रही है दूसरे के साइड। अगर आप जो है कॉलिंग करते हैं तब भी जो आपको कोई भी पंगा नहीं होने वाला है। बहुत ही अच्छा जो यहाँ पे परफॉर्मेंस मिल रहा है इस एयरपॉड्स का, क्योंकि जो है बिल्कुल ही ओरिजिनल है। सो इसकी साउंड क्वालिटी मैंने चेक की, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है साउंड क्वालिटी, और साथ में जो बेस जो बहुत ही अच्छा है, और माइक की बात करें तो माइक जो है बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत ही अच्छी जो है वॉइस क्वालिटी जाती है दूसरे को अगर आप जो है इससे बात वगैरह करते हैं। सो बहुत ही अच्छी चीज़ है। सो मैं इस पर एक दूसरी भी वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं आप लोगों को पूरा पूरा बताऊँगा, इसका रिव्यू करूँगा, और उस वीडियो में पूरा बताऊंगा कि इसका बैटरी बैकअप कितना है, और साथ में जो है कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इतने ज़्यादा महंगे एयरपॉड्स आपको खरीदने चाहिए या नहीं खरीदने चाहिए, सारा कुछ उस वीडियो में बताऊंगा। सो यहाँ पे जो है फाइनली मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की। सो आप लोगों को इसकी अनबॉक्सिंग कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल कर देना सब्सक्राइब, और साथ में बेल आइकन को दबा देना ताकि हमारी आने वाली वीडियो पहुंचे सबसे पहले आप तक, क्योंकि मैं हमेशा इसी तरह की लेटेस्ट वीडियोज़ लाता रहता हूँ। सो नमस्कार, मिलते हैं एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में।